कि अब मौला अगर अच्छी आदत को बढ़ाना चाहूँ तो क्या करूँ, इसका कोई फार्मूला तो हो। तो फरमाया पहले कागज़ और कलम लो और अपनी बुरी आदतों को लिखो। यह हदीस आपने सुनी, अल मोमिन मिरअतुल मोमिन, मोमिन मोमिन का क्या है, आईना है। तो मैं आपसे सवाल करूं, आपका आईना कौन है? जितना मजमा बैठा हुआ है एक एक बताए कि मौलाना फला मेरा आईना है। घर में शीशे का आईना तो रखा है जिसमें जिस्म नजर आता है, किसी रूह के आईने को भी ढूंढा है? तन का आईना तो आपके पास है, मन का आईना है? इंसान दो चीजें है ना, तन और मन। तन को आईने में देखा जाता है ना, आंखों से देखा जाता है ना। अब जो मन है आपका, जो आपकी रूह है, उसका आईना कहाँ है? यही मासूम फरमाते हैं, अल मोमिन मिरअतुल मोमिन, मोमिन मोमिन का क्या है, आईना। एक आईना तलाश करो, एक ऐसा मोमिन जो अमीन हो, एक ऐसा मोमिन जो सच्चा हो, एक ऐसा मोमिन जो मुत्तकी हो, उसे अपना आईना बना। और हफ्ते में, महीने में, दिनों में एक मरतबा पूछो कि क़िबला मेरी कौन सी चीज आपको बुरी लगती है, मेरी कौन सी आदत। घरों में झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि शोहर बीवी को अपना आईना नहीं बनाता, बीवी शोहर को अपना आईना नहीं बनाती। अगर बाप बेटे को आईना बनाए, बेटा बाप को आईना बनाए, और रोज एक दूसरे से पूछे मेरी वो कौन सी आदत है जो आपको बुरी लगती है, और उसको कागज पे नोट कर ले। बेटे को कहे बेटा ये अखलाक मुझे अच्छा नहीं लगता, इस तरह बोलना आपका मुझे अच्छा नहीं लगता, इस तरह चलना अच्छा नहीं लगता, ये खिलाफ अदब है, उसको कागज पे नोट कर दे। अब मासूम फरमाते हैं, और मॉडर्न साइकोलॉजी का भी ये उसूल है कि कोई भी इंसान अगर अपने वजूद से बुरी आदत को निकालना चाहता है उसके लिए 40 दिन काफी है। और कुरान की तरफ चलिए, वअदना मूसा सलासीन लैला वअतममना हो बिअशर। इस्लाम में भी 40 का तसव्वुर है कि अगर कोई अच्छी आदत वजूद में डालनी है उसका 40 निकालो, अगर कोई बुरी आदत वजूद से निकालनी है उसका 40 निकालो। अभी मैंने दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्म कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न अल, आप सब मेरे साथ पढ़ रहे थे, आप में से किसी ने याद किया इस दुआ को? याद कैसे हो गई? सुन सुन के। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने दुआ को बैठ के याद किया हो। अक्सर लोग इतनी बार नमाज में आए और इतनी बार सुना, ये है तकरार अमल का नतीजा कि जितना तकरार करते हो वो खुद ब खुद आपको याद हो जाती है, आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है। फरमाया बिल्कुल इसी तरह अगर आदत अच्छी वजूद में डालना चाहते हो, ये नहीं कि सिर्फ मजलिस में आए और इरादा किया बाहर गए फिर इरादा भूल गए, वो इरादा करो कि जो चबल और रासिख हो, मजबूत पहाड़ की तरह हो, कि 40 दिन कार्रवाई निकालो किसी भी आदत को वजूद में डालने के लिए और किसी भी आदत को निकालने के लिए। 40 दिन काफी होते हैं इंसान के लिए।